जयपुर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्र ने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जयपुर विधानसभा में 5 वर्ष कांग्रेस और 10 वर्ष बसपा विधायक और क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया था, परंतु विकास के नाम पर क्षेत्रीय विधायक कलंक है। अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र की जनताओं को जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य सुविधा बेहाल, किसानों के खेत तक नहरों में पानी नहीं पहुंचना, क्षेत्र की गरीब जनता का आवास नहीं बनाया गया। बसपा विधायक के कहने पर विकास नहीं होता, काम करके दिखाने से विकास होता है। जयपुर में विकास कोई नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता पूरी तरह से परेशान है। इस बार विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि उसकी सरकार बने और विकास करे। ऐसे मोदी सरकार के कमल छाप पर मोहर लगाएंगे, कहते हैं अपना विश्वास भरोसा जताया है। विधानसभा बना है, नया विधानसभा, तब से वहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही नया विधानसभा बना तो कांग्रेस के विधायक बन गए, उसके बाद दो बार बसपा के विधायक बन गए। सड़कें इतनी जर्जर हैं कि जिसको मैं बता नहीं सकता, जो उसमें जाके चलेंगे उन्हीं को पता चलेगा। और लगभग 100 से अधिक गाँव में सड़कें ही नहीं, बहुत खराब सड़कें। ये मुद्दा है हमारा, और सबसे बड़ा मुद्दा विकास का, और शिक्षा का भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, नहरों की भी समस्या है। सिंचाई के लिए वहाँ के कई गांव तरस रहे हैं। किसान इस बात को लेकर कई बार विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी उनका कोई समाधान नहीं कर पाते। विधायक जी का एक ही कहना रहता है कि मेरी तो सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ। ये अपनी लाचारी बताते हैं। हम अपनी लाचारी सुनने के लिए विधायक नहीं बनाएंगे। जनता कह रही है कि इस बार ऐसे पार्टी को चुनेंगे जिसकी देश में भी सरकार हो और प्रदेश में भी सरकार हो, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का इसलिए विधायक बनना चाहिए। बसपा विधायक आरोप लगाते हैं कि मेरी तो सत्ता ही नहीं है, कांग्रेस और भाजपा ही यहाँ रही है, और उसी उन्हीं के कार्यकाल में मैं जो है विधायक रहा हूँ। विधायक और ये जो है उनकी ही मतलब यानी कि नाकामी है, वैसे बोल रहे हैं उनका। जनता ने जब उनको विधायक बनाया, उनके ऊपर भरोसा किया, तो उनको ये मुद्दा सदन में उठाना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, और विकास के लिए विकास कराना उनकी जवाबदारी है, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि। कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी साहब की बात हुई थी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं नामांकन